सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावा में सुपर कीवर्ड का काम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, सिवा डॉट जावा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना एक सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए, जहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कुछ प्रिंट कर देते हैं, दिस इज क्लास ए। और यहाँ पे एक क्लास बी बनाते हैं जो कि ए को इनहेरिट करेगा। इसके लिए एक्सटेंस कीवर्ड लगाएंगे यहाँ पे, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, दिस इज क्लास बी। अब हम लोग सिंपली करने क्या वाले हैं कि हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास ए बनाया है और दूसरा क्लास बी बनाया है। इसमें हमने क्लास ए को जो है इनहेरिट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्लास बी का। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम, देन इक्वल टू न्यू बी। अब हम लोग को सिंपली करना क्या है कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद हम लोग को सिंपली करना क्या है, प्रोग्राम को सेव करके प्रोग्राम को रन करना है। तो इसको एक मिनट, मैं इसको एक बार डिलीट करके फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट में क्या आया है, दिस इज क्लास ए एंड दिस इज क्लास बी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, जब भी हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास बी का, तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्लास ए का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्लास बी का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अभी आप लोग को लगना चाहिए था कि हम लोगों ने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है। तो इसको बताने से पहले अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट का फंक्शन बनाते हैं, वाइट सिंपली। यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे सेम यही फंक्शन को कॉपी करते हैं और यही हम बी में भी यही चीज करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे बी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक। अब सेव करेंगे यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं, इस प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम देन प्रिंट करके यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि क्लास बी में है। तो सेव करके रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ये तो चल रहा है। इसको छोड़िए, अभी नीचे देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो हमारे क्लास बी वाला जो प्रिंट था वही कॉल हुआ है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे भी देखिए, ये भी सेम है कंस्ट्रक्टर है, ये भी सेम कंस्ट्रक्टर ही है। और यहाँ पे प्रिंट जो है सिर्फ क्लास बी वाला जो है प्रिंट कॉल हो रहा है, ये क्लास ए वाला नहीं हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग की वजह से। अब यहीं पे अगर हम लोग सुपर कीवर्ड यूज कर दें, सुपर डॉट प्रिंट, सुपर डॉट प्रिंट करके अब हम लोग सेव करते हैं, तो देखिए ए भी कॉल हो गया, बी भी यहाँ पे आ गया। आउटपुट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो सुपर कीवर्ड का काम क्या होता है, सुपर कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द पेरेंट क्लास डेटा मेंबर्स एंड मेथड। सुपर कीवर्ड जो होता है वो यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेथड को। तो यहाँ पे अभी आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में ये पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जावा में जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट ये सुपर सुपर फंक्शन रहता ही है। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में ये सुपर फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। तो इसकी वजह से पेरेंट फंक्शन का जो कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है।
तो अभी एक एग्जांपल आपको और लेके हमें दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक, फिर यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ए को। सेम यही चीज हमको करना क्या है, कॉपी करके अपने क्लास बी में यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। अब देखिए होगा क्या कि अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग एक पास कर देते हैं, एस एच बी है, स्ट्रिंग हम यहाँ पे एक पास कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब देखिएगा होगा क्या इसमें, जैसे हमने अपना प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज क्लास ए एंड शिवम, यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, जब भी हमने अपने प्रोग्राम को रन किया है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने प्रोग्राम में एक यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है, और ये स्ट्रिंग पास किया है तो क्लास बी में जो हमारा कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग वाला ये चल चल जाएगा। तो ये चला तो यहाँ पे सिर्फ शिवम ही प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन शिवम के साथ यहाँ पे हमारा जो पेरेंट क्लास था, पेरेंट क्लास का जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जावा में जो है किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंडर बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन होता है, सुपर फंक्शन, जो पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए जब भी हम लोग किसी भी इनहेरिटेड क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सुपर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।